लगाइए, महाजनपद देखो, जो 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र, जैन धर्म के भगवती सूत्र हो गया आएगा और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का बारे में उल्लेख किया गया है। पूछ रहा है तक्षशिला की, तक्षशिला पूछ रहा है इनमें से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी, गंधार की राजधानी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। 16 महाजनपदों में से देखोगे कि मगध महाजनपद काफी शक्तिशाली था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आप देख सकते हैं कि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है इसका मुख्यालय दुबई में पड़ता है और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं बताओ, ग्रेग बर्कले बने हैं, ग्रेग बर्कले हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी, रोजर बिन्नी जो हो जाएंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रिएक्टर स्केल पर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल देखोगे कि तुम्हारा थर्रा जाता है पृथ्वी यानी कि भूकंप, भूकंप को मापन के में क्या किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, अगर आप में कुपोषण हो जाता है तो इसमें से किसकी सभी कमी हो जाएगी, ठीक, ये बताओ। कुपोषण में देखोगे क्या होता है, ढांचागत शरीर का विकास अच्छे तरीका से नहीं होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है और इसमें देखोगे प्रोटीन की कमी हो जाती है, किसकी, प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, हर साल विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, तो हर साल विश्व कछुआ दिवस कछुओं के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में, कछुओं को बचाने के लिए, कछुआ सबसे अधिक दिनों तक जीने वाला प्राणी है इसे भी याद रखिएगा, 23 मई को मनाया जाता है, पर हर साल विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था, संविधान सभा गठन किया गया था तो उसमें प्रांतीय संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति का मुख्य रूप से किसके दे दिया गया प्रांत को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्षता करने के लिए, राजे रजवाड़ों को भारत में इन्होंने ही नमन मिलाया था, ये भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इसलिए इन्हें भारत के बिस्मार्क कहा जाता है, ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, शांत पेटी देखोगे वो डोल्ड्रम वाला स्थिति हो जाता है, डोल्ड्रम मतलब पानी शांत हो जाता है, ये देखोगे कहाँ पाई जाती है, ये अपना पृथ्वी हो गया, ये हो गया विषुवत रेखा, इसका 10 डिग्री इधर 10 डिग्री इधर लगभग पाया जाएगा भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ये डोल्ड्रम की स्थिति पाया जाता है और ये आपको क्या हो जाता है, शांत पेटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, बिजली के हीटरों के नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है, यानी हीटर अगर बनाओगे हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो हीटर का बनता है वो नाइक्रोम लगाकर बनता है, तो ये बताओ इसका क्या विशेषता होता है, ये बताना है इसकी विशेषता क्या होता है, लगाइए सभी लोग क्वेश्चन, बहुत अच्छा, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक भी अधिक होता है और इसमें शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, यानी तभी तो गर्म होता है काफी। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, यहाँ से, हाल ही में किस देश में वर्ष 2025 का विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ये बताना है, ये कौन सा देश 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष मनाएगा, ये अपना पड़ोसी देश नेपाल मनाएगा, कौन मनाएगा, नेपाल, भी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषिगत, आप देखोगे कृषि पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ये तय करता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में है, यानी कि विश्व के सबसे खारे पानी वाला जो झील हो जाता है, खारे जल जो है वॉन झील है, वॉन झील किस देश में स्थित है, तुर्की में स्थित है, किसमें, तुर्की में स्थित है, ये याद रखिएगा इसका आंसर, सबसे खारे पानी का झील कौन सी है, वही वन झील है जो कि तुर्की में स्थित है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, सौरभ गांगुली ने हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली जो बने हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हैं त्रिपुरा का, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, खुला बाजार कार्यवाही से क्या समझते हैं आप, खुला बाजार कार्यवाही से क्या समझते हैं आप, आपको लगाना है, लगाइए सभी लोग क्वेश्चन, बहुत अच्छा राजवीर सोनू, बहुत अच्छा काजल सिंह, ज्योति कुमारी, के विकास, अभिलाषा, कालापना, कविता कुमारी, टिंकू भागलपुर, पंकज मोतिहारी, जिला डोली रुचि, वाह तुम लोग तो कमाल कर दिए, चलो लगाओ ऐसे ही क्वेश्चन लगाओ। देखो
खुला बाजार कार्यवाही जो होता है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूति जो होता है, बॉन्ड जो होता है, उसका आपको क्या करता है, खरीद और बिक्री करता है। यही तो होता है खुला बाजार की नीति। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको सी हो जाएगा ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था और अशोक के शिलालेख पर किया गया ब्राह्मी लिपि का उपयोग। अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इन्हें देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 15 लगाओ, हाल ही में किस देश के हैरियस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। किस देश ने हैरियस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है, ये लगाना है। लगाओ क्वेश्चन। एक हैरियस पार्क का नाम बदलकर ऑस्ट्रेलिया ने लिटिल इंडिया रख दिया है, ऑस्ट्रेलिया का हैरियस पार्क। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके कारण होती है, क्योंकि सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, कौन होता है बताओ, इसमें से कौन सा हो जाएगा, एसेटिक अम्ल हो जाएगा। एसेटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है, COOH होता है। ये जो मौजूद होता है किसमें मौजूद होता है, सिरका में मौजूद होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, H2SO4 जो होता है, ये आपको बैटरी में मौजूद होता है, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तुम्हारे पेटवा में मौजूद होता है, ठीक। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में या नींबू में मौजूद होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ये आपको नदी जो हो जाएगा हांगवाहो नदी हो जाएगा। हांगवाहो नदी जो होता है चीन के शोक कहा जाता है, बिहार के शोक कोसी को कहा जाता है, उड़ीसा के शोक महानदी को कहा जाता है, बंगाल के शोक किसे कहा जाता है, दामोदर को कहा जाता है। और इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हांगवो को चीन का शोक कहा जाता है, असम का ब्रह्मपुत्र का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन 18, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का निपटारा हो गया है 95 वर्ष की उम्र में, यानी कि इनकी निधन हो गया है। ये आपको कहाँ से थे, ये प्रकाश सिंह बादल देखोगे ये कहाँ से थे, पंजाब से थे। कहाँ से, पंजाब में अकाली दल के नेता थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 19, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची का भाग है, ये बताना है इसमें से कौन सा विषय है जो कि संघ सूची का भाग है। लगाओ क्वेश्चन, कौन सा विषय है जो कि संघ सूची का भाग है। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बादल कुमार, थैंक यू। ऐसे ही तुम लोग बोल बोल के हमको शर्मा दे। तो गुरु जी आप अपने कोचिंग में फुल मॉक टेस्ट ओमार पर लेते हैं या सिर्फ टिक मरवाते हैं, कोचिंग के बच्चा कितना हाई स्कोर करता है, ये मिस्टर अंकित विद्यार्थी एलोन बॉय बोल रहे हैं। अरे जिसको ओमार सीट पर लगाना पड़ता है ओमार सीट पर लगाता है, बट ओमार सीट पर चेकिंग बढ़िया से नहीं हो पाएगा। ओमार सीट पर मान लो कोई एक लड़का लगा रहा है, ठीक, ओमार सीट पर एक दिन रखा जाता है, वो कह देते हैं कि तुम लोग बदल लो, अदला बदली कर लो, यानी कि तुम लगा लिए तो तुम उसको दे दो, वो लगा लिए तो वो देखो। और जब चेक कराते हैं तो सबको बोलते हैं तुम लोग अपने में स्कोर बताना, नहीं तो पता चलेगा गलती हो रहा है तो सही लगा देगा। नहीं, यहाँ बेइज्जती की बात है, बेइज्जती की बात नहीं है, ये सवाल है कि क्या होना चाहिए, कम से कम आपका उत्थान होना चाहिए। निम्नलिखित में से विषम बताओ, इसमें से कौन हो जाएगा, ये निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है बताओ, कौन आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा ना। आए क्वेश्चन नंबर 20, टोड्डा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टोड्डा जनजाति पाई जाती है, टोड्डा जनजाति में एक बहुत बड़ा प्रचलित चीज़ है बहुपति, बहुपति विवाह। बहुपति विवाह मतलब एक पत्नी के बहुत से पत्नी पति। अरे अभी ये कटअप कैसे पता चल जाएगा, अरे तुम लोग को तो समझ में ना आता है, अभी ये कटअप कैसे पता आप लोगों को चल जाएगा बताओ। ये जो हो जाएगा नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियों में देखोगे ये सब रहते हैं नीलगिरी के, यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलता है। क्वेश्चन यह देखो 21, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन हुआ है, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। लगाओ भी यार, लगाओ सभी क्वेश्चन। हेरिटेज फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ है ये गोवा में, सिग्मो फेस्टिवल का भी आयोजन कहाँ होता है, गोवा में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनता है, नागालैंड में। क्वेश्चन 22 देख लो, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। कॉमन सिविल कोड जो है ये संविधान के किस भाग में है। समान नागरिक संहिता है आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन 22,
जीवों के दो नाम पद्धति किसके जन्मदाता हैं? जीवों के दो नाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? लगाओ, सृष्टि विश्वकर्मा। 40 कोड ऑफ कंडक्ट गोवा में नहीं है, 44 है कोड ऑफ कंडक्ट गोवा में। 40 तो तुम्हारा ग्राम पंचायत के बारे में देता है, पंचायती राज की शुरुआत वही तो वो माना जाता है बेस। जीवों के देव नाम पद्धति जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसके जन्मदाता लीनियस है। सो कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी एंड यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देन क्वेश्चन हम देखेंगे 24, बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? कल मैंने बताया था कि बिहार में परमंडल यानी कमिश्नरी की संख्या 9 है, अनुमंडल की संख्या टोटल 101 पड़ेगा बिहार में, ये याद रखिएगा। 24 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। 25, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, कहा है तो सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है और सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम हो गया सुंदरवन डेल्टा। चलो फुल मॉक टेस्ट का वीडियो, फुल मॉक टेस्ट का वीडियो अभी आपका फुल मॉक टेस्ट सोल्यूशन कराएंगे, आप लोग चिंता मत करो। 7:30 बजे से फुल मॉक टेस्ट आपका सोल्यूशन होने शुरू हो जाएगा। आप लोग आज दो दो टेस्ट मिला है ना, सब फट जाएगा आप लोगों का बढ़िया से। ये क्या हो जाएगा सुंदरी, देखो ये चंदन पूछता है कहाँ पर मिलता है, नीलगिरी यानी कर्नाटक में। 56 देख लो, 26 देख लो। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आपको बताना है सेक्स रेशियो, ये बताइए। सेक्स रेशियो नहीं भैया, लिटरेसी रेट, व्हाट इज लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा लगभग 74% है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा बी। सबसे अच्छा लिटरेसी रेट में देखोगे अपना कौन सा हो जाएगा, केरल। सबसे गैल गुजरन में बिहार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, भारत के किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? अगर हम ये रफली पृथ्वी बना ले, ये विषुवत रेखा कर ले, ये आप देखो 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा कर ले, यहाँ पर अपना भारत स्थित है, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्वेश्चन 28 देखो कि ओलेरिकल्चर संबंध किससे है, ओलेरिकल्चर का संबंध किससे है ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा, सब्जी विज्ञान से संबंधित है, कौन सा? ओलेरिकल्चर संबंधित है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 29, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है ये आपको बताना है। सॉरी, इतना में लाइव आइएगा। पेड़ वाले आप लोगों को जो टेस्ट दिया गया है वो आप लोगों को कराया जाएगा, आप लोग अपना तैयार रहिएगा सीट बेल्ट बांधकर नागपुर में। और इसीलिए देखोगे संतरा का भी उत्पादन कहाँ देखेगा, रसदार फल का उत्पादन नागपुर में ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, महाधिराज की उपाधि पाने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? जो महाधिराज की उपाधि पाए थे, तो महाधिराज की उपाधि पाने वाले सबसे गुप्त पहला शासक में हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया है। 31 देख लो, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य की स्पर्श करती है? म्यांमार से साथ सबसे लंबी सीमा कौन तय करता है? म्यांमार या चाइना दोनों के साथ सबसे लंबी सीमा तय करता है अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा तय करता है अपना उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। 32 लगा लो, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ लंबा सीमा साझा करता है, ये भी लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और राजस्थान करता है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा। 32 देखो, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी बनता है ये देखोगे टूटने फूटने की चट्टान, और उसमें क्या पाए जाते हैं? टिटनीफेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस पाए जाते हैं। ठीक, ये लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसके आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देखो, निम्नलिखित में से आकाशीय पिंड की पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस अखंड आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा अपना एक ही मात्र चंद्रमा है पृथ्वी, एक ही चंद्रमा, ये पृथ्वी का सैटेलाइट है नेचुरल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? लगभग जो घी होता है तुम्हारा वसा ही होता है, फैटी होता है, तो घी में वसा की मात्रा बताना है कितनी हो जाएगी, 99% हो जाएगी, 99% हो जाता है। क्वेश्चन 35, परमादेश रेट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाईकोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत,
और ये जो रीड जारी करता है ये क्या कहता है, हम आदेश देते हैं, यानी परमादेश मतलब कि हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है इसका सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से जाना जाता है, किस पर्वत श्रेणी को एशिया के रीढ़ के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, गुरु जी जितना अपवाद लोग स्टडी मूड के क्लास करने के बजाय लोग कचरा करने लगते हैं, क्या हुआ? अरे जाने दो, आगे देखो, इसे कहा जाता है काराकोरम पर्वत को, सबसे उत्तर में स्थित काराकोरम जो पर्वत है इसे एशिया के रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, कामाख्या मंदिर जो स्थित है बताओ कहाँ पर स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जो स्थित है यह अपना गुवाहाटी में असम में है, अंबुबाची का मेला लगता है यहाँ पर, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो असम के गुवाहाटी में है ये आपको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, कोई व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री ग्रुप में अधिकतम कितनी बार सेवारत रह सकता है, यानी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है, तो भाई वो कितना बार भी बन सकता है। आप लोगों के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, वो कितना भी बार बन सकता है। 39, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है, शेरशाह सूरी ने जारी किया था एक चांदी का सिक्का, और चांदी के सिक्के का क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर, रुपया नाम हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आज शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में मिलता है। क्वेश्चन 40, दादर नगर हवेली और तपा दमन द्वीप को मिला दिया गया, दादर नगर हवेली दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और ये 26 जनवरी 2020 को पुनर्गठन किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के बीच के अधिकार का क्षेत्र आता है, ये कौन सा क्षेत्र अधिकार है? भैया सर्वोच्च न्यायालय में जाओगे विवाद होता है तो, ठीक, दो राज्यों में। सर जी कल के सेट में कसम से ईमानदारी से 70 आया, रिजल्ट हो जाएगा ना सबसे ज्यादा कितना आया? सर जी इतना हल्का क्वेश्चन पूछेगा, सर जी थोड़ा लेवल बढ़ाकर रखिए, भले एग्जाम में हल्का ही आए। अरे हंसुल अजीज तुम लोगों से तो यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। अरे डॉक्टर के पास भी जाओगे ना तुमको यह मोटा मोटा सुइया नहीं देने शुरू कर देता है, डॉक्टर के पास भी जाओगे तो पहले देता है आराम से, तुम्हारा रेजिस्टेंस शक्ति बढ़ाता है, तुम्हारे शरीर का शक्ति बढ़ाया जाता है, पहले ही बड़का सुइया देकर ठूस देगा ना तो दांत चिपोड़ते भागोगे, कहोगे हमको दवाई की जरूरत नहीं है, भले ही इसी मर जाएंगे, तो वो भी भाई प्यार से तुमको दवाइयाँ देता है, ठीक, वही दवाई ये टीचर का काम होता है। तुम्हारे सेट बनाना तो मेरे ऊपर है, हम सेट क्यों ऐसा बनाए जो क्वेश्चन ही वैसा ना पूछे, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट बनाते हैं, हलवा जुलवा नहीं, पैसा नहीं कमाना इसे कि बुक निकाल दिए लाखों रुपया का बुक निकाल दिए, हाँ आ जाएगा यहाँ से ये कमा लेंगे वो कमा लेंगे, अरे पता चलेगा सिलेबस बदल दिया, पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल ही बदल दिया, अरे उससे कुछ नहीं होता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक ना, तो हम जैसा करा रहे हैं कर लो। पहले सेट में तुम्हारा 70 आया है तो बड़ी खुश हो रहे हो, सर जी 70 आ गया, अभी कल तुम्हारा सेटिंग कर देंगे तो तुम्हारा तुरंत आ जाओगे 55 के नीचे, वो तो मेरे हाथ में, मैं तो खुद चाहता हूँ तुम लोग का 70 आए, 75 आए, 80 आए, 95 आए, मैं तो खुद चाहता हूँ। एक लड़का तो 90 लाया है कल के सेट में, मेरे सामने 90 लाया है, दिखाया भी सर जी देखिए 90 हमारा आया है, तो उसका मतलब वो ढूंढेरा पीट रहा है, नहीं बोल रहा है सर जी बहुत अच्छा सेट था और इसने सेट तो जरूरत है। अरे तुम्हारे मानसिकता बढ़ाएगा, तुम्हारे अंदर की एनर्जी बढ़ाएगा बुढ़बक, अरे पढ़ने का तरीका सीखो, ये नहीं कि सेट मार दिए 70 को आ गया सर जी बहुत बड़ा आ गया, अब तो हार्ड ही आप बना दीजिए, अरे तुम्हारे लिए ही सिर्फ थोड़े ना सेट बनाया जा रहा है, 55 भी आया है, 35 भी आया है, 40 भी आया है, 50 भी, सबको लेकर हमको चलना है ना, हाँ बात करते हो आप भी। दो राज्यों का जो विशेष क्षेत्र आता है, दो राज्यों के बीच लड़ाई हुआ या दो राज्यों के बीच मतभेद हुआ, एक तरफ 3 राज्य 4 राज्य, एक तरफ 2 राज्य, एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ राज्यों का समूह, एक तरफ केंद्र सरकार कुछ राज्य, एक तरफ राज्यों का समूह, ये सभी जो आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्र में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति ताज पहनाया गया था, छत्रपति की उपाधि दिया गया था, शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि 1674 में कब दिया गया था, ये लगा दो यहाँ पर, आंसर बी हो जाएगा। गुरु जी आज मैं 22 मिनट में 5 किलोमीटर पूरा किया, और मेरा दोस्त 18 मिनट में 5 किलोमीटर पूरा किया, बेहद दुख हूँ। अरे दुख होने की क्या बात है, हाँ दुख होने की क्या बात है, एक तरफ दोस्त भी बोल रहे हो फिर बोल रहे हो दुखी भी हूँ, यानी अंदर तुम्हारा क्या चल रहा है बताओ, ऐसे थोड़े ना होता है, अरे बताओ तुम्हारे दोस्त मान लो तुमसे पढ़ने में थोड़ा कम होगा तो वो थोड़े ना तुम ज़्यादा होगे तो दुखी होगा। अस्थायी सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, ये अस्थायी नहीं, यहाँ पर दोना चाहिए स्थानीय,
यह स्थानीय हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना स्थानीय हो जाएगा, स्थानीय सरकार की, स्थानीय सरकार की जो है ये बताओ, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं होगा? ग्राम समिति नहीं होता है भाई, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है, ये होता है। तो थोड़ा सुधार कर लेना, बाकी तुम लोग कर ही लोगे। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 44, लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुआ? लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि पीडीएफ में मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक, तो पीडीएफ में डाल देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है, बोर्ड पर जो बताता हूं उसे ध्यान से देखा करो, इसीलिए क्वेश्चन करा करो। खाली चौपट पीडीएफ के चक्कर में रहोगे ना तो पीडीएफ में एक दो को आंसर इधर उधर हो जाता है, टाइपिंग तो उसी के चक्कर में रह जाओगे, ठीक। लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन की नियुक्ति कब किए थे? शिक्षा पर सुझाव हंटर कमीशन, देखोगे 1882 में हंटर कमीशन आता है। ये दो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है? ये बताना है कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं होगा इसमें से राष्ट्रीय महिला आयोग 1993, थोड़े ना आपको ये चीज़ थोड़े ना है कि आपको, बाकी राजभाषा आयोग, वित्त भाषा, वित्त आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग, ये सभी संवैधानिक बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 46, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहीं पर स्थित है जहाँ पर हमारा संसद भवन स्थित है, यानी अपना नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 देखोगे, ये सरदार की उपाधि मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें नेतृत्व किया था। 48 देख लो, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? पहले पकड़ कर रखो, 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 अप्रैल को नहीं हुआ था, ध्यान में रखना, 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो चुका था, इसे याद रखिएगा। अब हुआ कब था? तो ये 1992 में हुआ था। अब भैया पूछे ये कि ये क्या चीज़ है? तो ये आपको स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया था। अब ये पूछे तुमको कि कौन से अनुसूची में मिलेगा? तो गरीबी अनुसूची में मिलेगा। अब तुमसे पूछे कौन से भाग में मिलेगा? 9वां भाग में मिलेगा। अब तुमसे पूछे कौन से आर्टिकल में मिलेगा? आर्टिकल 243 के ए से लेके ओ तक मिलेगा। अब ये तुमसे पूछे कि कितना सब्जेक्ट इसमें पूछे, तो ये 29 सब्जेक्ट हो जाएगा। तुमसे पूछे कि ये किसका, किस सूची का विषय है, तो ये राज सूची का विषय है। ये कौन इसका चुनाव कराएगा पंचायती राज में, तो तुम्हारा राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग। कौन पैसा इकट्ठा करने की बात करेगा, पैसा के बारे में, राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करेगा। ये सब बात है, 5 साल के लिए मुखिया जी चुने जाते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का विचार भारत के किस राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित है? ये बताओ, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का, ये तीनों आपको हुआ था 1789 में। कौन सी क्रांति हुआ था 1789 में? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। आप लोग जानते होंगे नेपोलियन का नाम वहीं के थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। श्रीनगर शहर जो है झेल रहा है, झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर कौन सा है? झेलम नदी के किनारे, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है कि आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह हो जाएगा? आकार के संदर्भ में मतलब कि आकार के हिसाब से बताना है कौन सा ग्रह हो जाएगा, ये बताइए। आप बहुत खिसियाते हैं गुरु जी, क्या बात है? अरे कुछ खिसियाते नहीं, जीके जीएस कंप्लीट है, बस हिंदी और इंग्लिश का रिजल्ट कंफर्म, बहुत अच्छा। अरे हमसे कौन चैलेंज करेगा रनिंग में, बताओ हमसे चैलेंज करोगे रनिंग में? कौन करेगा इसमें से बताओ, तो बताओ 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 बताओ, हमसे कौन रनिंग करेगा? 2 लाख रुपया का बाजी लगाएंगे, पहले नंबर सोच लो। हमको 10 दिन का बस समय देना होगा तुम लोगों को, और 10 किलोमीटर का रनिंग होगा, नहीं तो 22 किलोमीटर का, नहीं तो 46 किलोमीटर का, बताओ कौन रनिंग करेगा? और आकर यहाँ पर बाउंडिंग बनाना पड़ेगा, यानी चेक पर साइन करना पड़ेगा, ओपन चेक पर, ना तो खेत लिखवा लेंगे, ठीक, चुपचाप। ये 2 लाख रुपये का रनिंग होगा, हम करेंगे और तुम करोगे सिर्फ, इसमें से कौन करेगा बताओ? हम बुला रहे हैं, आओ तुम चुप चुप चाप, देखते कौन कर रहा है। भाई देखो इसमें लिख रही है सृष्टि विश्वकर्मा, हम करेंगे, मैंने लड़का तलैका लड़कियों सब हमसे चैलेंज लगाना चाहती है। अब हम समझ गए, अब समझ गए तू सब हमको कहा समझते हो। अरे कहा बोले, छोड़ो हटाओ, बातें खत्म करो। देख लो एक मलाई क्यों लिख रही है, हम करेंगे।
अरे तू सब अब छोड़ो हटाओ। आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह है? आकार के हिसाब से सातवां हो जाएगा ना, इससे छोटा बुध है और शुक्र है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52। महात्मा गांधी कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? तो महात्मा गांधी कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? 21 वर्ष तक रहे थे। इसका आंसर बी डी। अरे हमारा इतना ना शक्ति है हो कि हम तुम सबको हरा देंगे। आई लड़कियों सब हमको बताओ, लड़कियों सब बोल रही है कि हम करेंगे हम करेंगे। अरे जा, तू सब अपने टीचर का बेइज्जती कर रही है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी जो थे भारतीय स्वतंत्रता के समय में अध्यक्षता किए थे। 54 देख लो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। आगे देख लेते हैं 55। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? अपनी गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। लड़कियों को कम समझने की कोशिश मत कीजिए, लड़कियां भर भर थरिया खाना खाती है और ढेकार भी नहीं लेती है, ये बोल रही है डोली रुचि। अरे हम कहाँ बोलते हैं, तुम लोगों को कम थोड़े ना समझते हैं, हम कभी नहीं कम समझे हैं। गंगा के कछारी मैदान को क्या बोला जाता है? बांगर कहा जाता है। और नए को क्या बोला जाता है आपको? खादर बोला जाता है। और क्या होता है बांगर खादर? जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन 56 देखो, 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं? 1 पाउंड कितने औंस के बराबर होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 16 लगाओ, 1 पाउंड कितने औंस के बराबर होता है, ये लगाइए। लगाओ क्वेश्चन नंबर 56। 16, बहुत अच्छा, 16 का होता है, ठीक, 16 का, 16 का। अरे हमार चेला से लगाओ, तुम लोग का इतना है ना, तो हमार चेला दो दूगो है, एगो है अंकित अभ्यार्थी, ओकरा ले लगाओ, ओकरा ले पहले जीत के आओ तब हमसे तुम लोग जीतना, ठीक। पहले अंकित अभ्यार्थी से लगाओ, फिर यार तेरा सुपर स्टार से लगाओ, दोनों से पहले जीत लो फिर हमारे पास आओ। दोनों से पहले जीत लोगे यार तेरा सुपर स्टार अंकित अभ्यार्थी तब हमारा पास आओ, वरना हम तो तुम लोग को धुआं धुआं कर देंगे। लड़की होकर इतना उड़ रही हो कि हम हरा देंगे सर जी, हम हरा देंगे। अः कैसे हरा दोगी, मतलब हम तो मतलब लगता ही नहीं है का सर, आज होमवर्क का क्लास होगा, होमवर्क के सेक्शन कभी बंद करिएगा सर जी। अक्षय कुमार यादव, आज जो होगा आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर। क्या निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा। विद्युत धारा बताओ क्या हो, एक से पूछ क्या रहा है भैया, ये सदिश राशि पूछ रहा है ना कि अदिश राशि पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा बताओ, ये बताओ कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर 57 के आंसर बता दो, बहुत अच्छा, 57 के आंसर भी एक। अरे हम तुमसे कैसे जीत पाएंगे स्नेहा तिवारी, भैंसा नियन तुम लोग दौड़ती हो, आए ओकरे में कचाड़ दोगी, छोट बबुआ हैं हम, तुम लोग दौड़ोगी लगेगा कि जरा रोडे पूरा जाम हो गया, रोडे पूरा जाम हो गया। अगर हम पूछे एक सवाल तुम लोगों से तो पूछ का जवाब दोगे तुम लोग, एक सवाल तुम लोगों से पूछते हैं, चलो देखते हैं जवाब दो। ये बताओ हमको कि दुनिया के सबसे स्लो चलने वाला प्राणी का क्या नाम है? दुनिया के सबसे स्लो चलने वाला प्राणी का नाम बताओ, दुनिया के सबसे स्लो चलने वाला प्राणी का नाम क्या है? लगाओ, गुरुजी, गुरुजी सृष्टि को थोड़ा सा मैं धक्का दे दिया, बेचारी गिर गई। और हाँ हाँ सब देखो यहाँ ढिलिंगबाजी कर रही है, हाँ यहाँ पर बोल रही कि हरा देंगे, ना 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 ना, दुनिया के सबसे धीरे चलने वाली में लड़की आती है, लड़की, लड़की, लड़की को चलते हुए तुम लोग नहीं देखे हो ना, सबसे धीरे चलती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, बराबर होता है, ये हो जाएगा इसके आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा? आज आ रहे थे पानी लेकर, देखिए वो लड़की पियर फराक वाली ऐसे फोन लगैले है, फोन लगैले है ऐसे चल रही है, हम देख रहे हैं तो पूरा चलिए ना रहा है, रोडवा चल रहा है कि ये चल रही है समझ में ना आ रहा है, एकदम धीरे धीरे, उतना में हम लोग अपना सारा काम करा कर आ गए, फिर वो हम देख रहे हैं कि वो दुए कदम बढ़ी है, हम तब से मान गए कि दुनिया में सबसे धीरे चलने वाली लड़की में कौन सी है, सबसे दुनिया चलने वाली लड़की इसने होती है, ठीक ना, फोन वाला, फोन वाला लड़की उसको बोला जाता है। मैक्स प्लांक जो हो जाएगा ये क्वांटम सिद्धांत दिए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, पशुओं की उम्र पता लगाया जा सकता है? 7:30 बजे पशुओं की उम्र जो होता है कैसे पता लगाया जाता है, ये बताना है पशुओं की उम्र, ठीक।
पशुओं की उम्र कैसे आपको पता चलता है? सींग के छल्ले गिनकर, सींग में जो छल्ला होता है वो गिनकर ये आपको हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? रेगुर है ये बताना है। एआई बोल रही है सन्या तिवारी कि हम इनको बीएचयू में हरा दिए थे, हम बताना बीएचयू में कब गए, लेकिन एक समय हमको जरूर याद है। एक बार सन्या तिवारी दौड़ने के लिए बोली, इसकी मम्मी बोली जाकर दौड़ा कर लाइए इसको। हम बोले चलो भैया देख लेते हैं। एक तो हाफ क्विंटल से ज़्यादा इसका वजन है, यानी लगभग 70 kg इसका वजन होगा। ऊपर से ये चल दी दौड़ने के लिए, सुबह सुबह आ रही थी, दौड़ी दौड़ रही थी, फोन पर थी कि पीछे से कुत्ता लखेदले है। हम बोले तब तो और दौड़ो और दौड़ो, वो भी तुमको दौड़ा रहा है। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? ये कौन सी मिट्टी हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा, काली कपासी मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 62, त्रिविध टीका यानी ट्रिपल एंटीजन जो दिया जाता है वैक्सीन किसको दिया जाता है? ट्रिपल एंटीजन जो वैक्सीन दिया जाता है किसको दिया जाता है, ये आपको बताना है। मैथ वाले सर से विवाद कैसे हो गया भाई? अभी बुलाएगा तुम लोगों को मैथ वाले सर को? सोमवार से अक्षय यादव, सोमवार से एकदम थ्योरी भी हो जाएगा तुम्हारा शुरुआत, थ्योरी 3 chapter, उसके साथ टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, होमवर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। चिंता मत करो, अक्षय कुमार यादव यादव तुम्हारा हर एक बात माना जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अरे क्या करोगे विकास कुमार, लड़की लोग चलेन दे रही है, ये नहीं जान रही है कि खाली छीक मारेंगे तो वो सब उधिया जाएगी। ये देखो जो टिकल टीका दिया जाता है ये किसके लिए दिया जाता है? आपको डिप्थीरिया काला खांसी जिसे कुकुर खांसी कहा जाता है ना, ये हो जाएगा और आपको आपको टेटनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप होता है अधिक कठोर होता है? ठीक ना, कार्बन के कौन सा अपरूप होता है अधिक कठोर होता है? वो सबसे लड़की से ऐसे भी चैलेंज हम कहा लगाएंगे बताओ, कहेंगे चैलेंज लगा रहे हैं हमारे घाटा पड़ जाएगा, बुलाएंगे दौड़ने के लिए, दो किलोमीटर आधा किलोमीटर दौड़ कर बेहोश हो जाएगी, एम्बुलेंस बुलाओ, खर्चा उठाओ, सब उसको पापा मम्मी को बताओ, ये से उस सबसे कौन चैलेंज लगाएगा? कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है? ये हीरा होता है, ये हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? ये बताना है इसमें से कौन है कि जो कि ना तो तत्व भी है और ना ही यौगिक है, यानी ये हो जाएगा मिश्रण, और मिश्रण तुम्हारा वायु होता है, वायु क्या होता है? मिश्रण होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 65, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी बताना है कहाँ स्थित है, ठीक बताओ गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित होगा? हलवा समझ रही है, सही बोल रहे हो, हमको हलवा समझ रही है, ना जान रही है कि 2017 में बिहार पुलिस निकाल चुके हैं। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी, यहाँ पर कोनो हाफ मैराथन नहीं दौड़ा होगा, यहाँ पर कोनो हाफ मैराथन नहीं दौड़ा है, मनु महाराज के साथ हाफ मैराथन दौड़े हैं, तुम लोग कहाँ जानोगे, छोड़ो। अरे क्या होता है ना कि शेर कभी कभी क्या होता है शांत होकर बैठ जाता है ना, तो लोग समझते हैं शेरवा बुढ़ा गया है कुछ ना करेगा। चलो तो बहुत से सियार का खोदते रहते हैं, वाई करते रहते हैं, शेरवा चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है, वो जान रहा है कि हम तो राजे है राज है, अरे हमारे नामे से पूरा जंगल चलता है तो हम कहा बोले, ठीक तो चुपचाप बैठा रहता है। तो क्या होता है ना, समय के साथ जो अपना रूपवा बदलते रहता है सियारा, कोनो के पुछवा क्या होता है टाइट होता है, कोनो को लूज होता है, तो टाइट पुछवा वाला समझता है जय जय नवा नया नया होता है, नवा नवा जो होता है सोचता है हमारा टाइट पुछवा है, तलवार है हमारा पुछवा, मार देंगे शेरवा के पुछवे से मुंह कट जाएगा। लेकिन अभी क्या पता है ओकरा कि शेरवा चुपचाप बैठल है, तुम्हारा जैसे कैगो के निकल कर उल्टी कर दिया होगा, ठीक। तो वही चीज़ है, गिरनार पहाड़ी देखो कि स्थित कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है भैया, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66, विश्व के सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व के सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश का आपको नाम बताना है कौन सा है, लगाइए क्वेश्चन। मेरा इतना में रिजल्ट हुआ है सर, फिजिकल की तैयारी के लिए मार्गदर्शन कीजिए, सुपर बेस्ट। अरे अपने तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, जान जो लगा दीजिए, अब हो गया है आपका तो पूरा अपना दम लगा दीजिए, ठीक, क्योंकि अब फाइनल उसी पर रिजल्ट है। विश्व के सबसे बड़ा मछलिया जो हो जाएगा अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चिन्हवा में हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने के समय कितनी होती है? भारत के जो राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है भैया, देख लो ध्यान से, गीत दे रहा है, गीत दे रहा है, 65 seconds होती है। गान अगर पूछता राष्ट्रीय गान तब लगाते 52 seconds। राष्ट्रीय गीत बकीम चंद चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान। क्वेश्चन नंबर
ये देखो 68, जी और जीने दो, बस मैं इसी में विश्वास करता हूँ, इसी ध्याय में विश्वास करता हूँ, जी और जीने दो। तनी से बोल का दिए लग रहा है कि यहाँ मछली मंडी तुम लोग बना दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा। महावीर स्वामी जो है ये बोलते थे कि जियो और जीने दो, सबको जीने का हक है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताना है, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, अपने पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 70 देखो, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य की आंख में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है बताना है, मनुष्य की आंख पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 71 देख लो, विटामिन डी में निम्न में से क्या कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है यहाँ पर कैल्सिफिरोल, विटामिन डी का नाम है कैल्सिफिरोल, रेटिनोल नाम है विटामिन ए का, फोलिक आपको विटामिन नाइन का, आपको फिलोक्विनिन विटामिन के का नाम है। आगे देखो क्वेश्चन 72 देख लो, पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, पायरोमीटर जो होता है आपको क्या होता है, उच्च तापमान मापने के लिए, रेडिएशन मापने के लिए, उच्च तापमान सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, अस्कर्वी रोग विटामिन की कमी से होता है, अस्कर्वी रोग होता है मसूड़े फटने लगते हैं आपको, विटामिन कौन सा होगा, विटामिन सी होगा, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 74 देख लो, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है ये आपको बताना है, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य जो पड़ता है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, मामा का प्रदेश मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 75 देख लो, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण बताओ कैसे होगा, ये लगाकर बताओ, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं तनिक बिना दिखाई देती है, ये कौन सी वस्तु आपको हो जाता है आपको निकट दृष्टि दोष, और इसमें जो होगा उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, क्या किया जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और ही दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा खेला खत्म होता है, वीडियो अच्छा लगता लाइक कीजिएगा, और 1 बजे क्यूज होता है, बट आपको दोपहर के 1 बजे अभी आपको लेट होने के कारण अभी मैंने करा दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण बबुआ लोग, तो अपना ध्यान रखना आप लोग, फिर अपना ख्याल रखिएगा, पेड़ वाले जल्दी से 7:30 बजे आप लोगों का मैथ स्टार्ट हो जाएगा फुल मॉक टेस्ट में, और फिर जिक्के जीएस हमको कराना है, तो अपना कॉपी किताब निकाल कर बैठ जाइए। हम एकदम माई लाइफ वर्दी, एकदम नाम रोशन कर देना, नाम पर टार्च बार बार कर, चलो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे बातों को बुरा मत मानिएगा, आप लोग हमारी दीदियाँ हैं, चलिए दीदिया लोग अब चलते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक अपना ख्याल रखिए,